महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, मिशन बिगन अगेन का दूसरा चरण शुरू, लेकिन कोरोना फैलाने वाले ठिकानों पर लॉकडाउन में रहेगी सख्ती। मुंबई, पुणे, नागपुर और नई मुंबई जैसे शहरों में कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर लगी पाबंदी। यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर निर्मित करने को मिली मंजूरी। जनपद वासियों का उत्साह गरमाया, मिठाई बांट कर जताई खुशी। 25 सालों से बन रहा एयरपोर्ट, उड़ान शुरू होने से बढ़ेगा बौद्ध सर्किट का पर्यटन, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की 15वीं बैठक में की शिरकत। कार्बेट रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 84 कुटिया का इंटीग्रेटेड विकास, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में गरतांग गली ट्रेल मार्ग के पुनरुद्धार एवं टोंगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा स्वीकृत करने पर दिया जोर। बैठक में वन मंत्री हरक सिंह रावत भी रहे मौजूद। मथुरा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन, बाइक को घसीट कर चलाया। केंद्र सरकार पर जिलाध्यक्ष यतेंद्र मुकदम का हल्ला बोल, लॉकडाउन से तबाह जनता को मारना चाहती है मोदी सरकार, ईंधन दरों को रोल बैक करने की मांग। कोरोना की इस भीषण महामारी में, इस भीषण आपदा में लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, लोगों के पास कमाई के जरिए बंद हो चुके हैं, काम धंधे रोजगार सब बंद हैं। उस स्थिति में ये सरकार किस तरीके से और किस नीति के साथ में और किस नियत के साथ में ये सरकार लोगों के साथ में विश्वासघात और लोगों को मारने का काम कर रही है, तो आप देखिए किस तरीके की सोच है इन लोगों की। जिस समय लोगों को, आम जनता को, आम नागरिकों को राहत देने की बात करनी थी, आम सामानों पर महंगाई को कम करने की बात करनी थी, इन लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर हर चीज पर महंगाई बढ़ा दी है और लोगों का खून चूसने में ये मोदी सरकार लग गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसानों ने ट्रैक्टर खींचकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पूछा, महंगे डीजल से कैसे होगी खेती? कांग्रेस नेताओं ने किया हल्ला बोल, किसानों और जवानों की दुश्मन है मोदी सरकार। सर, इस समय जो है किसान बहुत हताश हुआ है, क्योंकि लगभग लगभग डीजल और पेट्रोल के दाम एक साथ बढ़ गए, जिससे इस समय हमारा खेती का समय है, धान बुआई का समय है और मक्का बुआई का समय है, तो हम लोग किसान को इस समय बहुत हताशा का माहौल है क्षेत्र में। लोग परेशान हैं कि हम अपनी खेती कैसे गुजर बसर कर पाएंगे। यूपी के बहराइच पहुंचे पेयजल विभाग के प्रमुख सचिव परमेश्वरन अय्यर और पंचायती राज विभाग की डायरेक्टर किंजल सिंह। विशेश्वरगंज, प्रयागपुर, चितौरा समेत कई गांव में किया दौरा। शौचालयों के निर्माण एवं गुणवत्ता में धांधली की शिकायतों पर किया औचक निरीक्षण। सरपंच और अधिकारियों को दिया स्वच्छता और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भी पेट्रोल कीमतें बढ़ने पर उठाया सवाल। मोदी सरकार से पूछा, जब कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं तब क्यों बढ़ाए जा रहे हैं ईंधन के रेट? पीएम से अंकगणित समझाने की मांग। बिहार के बेगूसराय में ईंधन की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन जन अधिकार पार्टी ने किया। NH 31 पर चक्का जाम। जिलाध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लगाया नारा, रोल बैक करो पेट्रोल की कीमत। यहाँ कोरोना जैसी महामारी में इतना परेशानी हो चुका है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण कि आज कुछ लोग आत्महत्या करने पर तैयार हैं और बाइक घर में धरा हुआ है, किसान का ट्रैक्टर घर में लगा हुआ है। किसान का इतना मूल्य बढ़ने के कारण किसान के खेत में ट्रैक्टर मालिक जाने के लिए अभी के दिन में तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति पूरे देश में हो चुकी है। यूपी के संभल जिले के बबराला में लॉकडाउन में दुकान बंद कराने गई पुलिस पर बिफरे दुकानदार। चौकी इंचार्ज रामकुंवर सिंह को घेरा, नोकझोंक के बाद दुकानदारों को थाने ले गई पुलिस। कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलना चाहते थे दुकानदार, मनाही पर बढ़ा बवाल। उत्तराखंड में लॉकडाउन में बंद राज्य परिवहन की बसों का परिचालन हुआ शुरू। कोविड के साए में यात्रा के लिए निकल रहे प्रवासी। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने जताया विश्वास, यात्री बढ़े तो खत्म होगा परिवहन का घाटा, बदहाली से उबारने में मिलेगी मदद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।